नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक बॉटनी विद डॉक्टर विनीत सोनी। मेरा एक वीडियो है एमएससी किस सब्जेक्ट में करें, और वो वीडियो इतना हिट हुआ है, इतनी मेरे पास क्वेरीज आती है, डेली क्वेरीज आती है कि एमएससी किस सब्जेक्ट में करें हम लोग। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा, आप देखेंगे मेरी वीडियो को देखना, एमएससी किस सब्जेक्ट में करें इस विषय का वीडियो है, जिसको 50,000 लोगों ने भी उसको देखा है, लगातार देखते जा रहे हैं, क्वेरीज आ रही है। अच्छा लगता है मुझे जब स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं अपने कैरियर के प्रति, क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेरीज पूछते हैं। तो आज मैं उसी संदर्भ में आपके सामने आया हूँ कि एजुकेशन जो है, हमारी जो भारतीय विज्ञान प्रणाली है, उसमें हम किस तरीके से हम लोग सुधार करें, जिससे हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो वापस से उस तरह से गौरवान्वित हो जाएं पूरे विश्व में, जैसे नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय थे। ये वो विश्वविद्यालय थे जहाँ पर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। वर्तमान स्थिति में हमारे यहाँ पर बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर आपको डेवलप्ड कंट्री से लोग पढ़ते हुए आए, ऐसे बहुत कम विश्वविद्यालय मिलेंगे आपको। क्या कारण है कि हम लोग विज्ञान में पिछड़ते जा रहे हैं? क्या कारण है 1930 के बाद किसी भी भारतीय को भारत में रहते हुए नोबेल प्राइज नहीं मिला? क्या कारण है? क्या ऐसे कारण है कि आज भी हमारा विद्यार्थी, चाहे वो बीएससी का विद्यार्थी हो, चाहे वो एमएससी का विद्यार्थी हो, चाहे वो पीएचडी का विद्यार्थी हो, वो 10 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम नहीं बता सकता जो वर्तमान में है? हम हमेशा बात करते हैं आर्यभट्ट की, बात करते हैं हमेशा सुश्रुता की, बात करते हैं हम हमेशा चरक की, बात करते हैं, लेकिन वर्तमान भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी हमारे अंदर नहीं है। क्या कारण है? बहुत सारे कारण हैं। मैं बस आपसे, क्योंकि आप विज्ञान के विद्यार्थी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें बियॉन्ड द सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जिस टॉपिक को आप साइंस में पढ़ते हैं, उस टॉपिक को आपको सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि ये टॉपिक किन वैज्ञानिकों ने बनाया है, हु मेड दैट टॉपिक। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने अपने रिसर्च टाइम में, पीएचडी टाइम में, पोस्ट डॉक्टरेट के समय, जब मैं यूरोपियन कंट्रीज में था, वहां पर मैं जगदीश चंद्र बोस की किताबें देखता था उनकी लाइब्रेरीज के अंदर। हमारे यहां किसी भी स्टेज में, ना तो फिजिक्स में, ना बायोलॉजी में, ना बॉटनी के अंदर जगदीश चंद्र बोस साहब को पढ़ाया जाता है। क्या, क्यों, ऐसा क्यों ये नहीं पढ़ाया जाता? सिलेबस की रचना आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप पढ़िए उसको। हम केवल दोषारोपण नहीं कर सकते प्रणाली के ऊपर, हमें प्रणाली को ठीक करना पड़ेगा, और हम तभी ठीक कर पाएंगे जब हम लोग उस पोस्ट के ऊपर होंगे, हमारे पास एक मंच होगा। सड़क पर बैठे हुए, पेड़ के नीचे बैठ के चाय पीने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, थड़ी पर बड़ी बड़ी बातें करने से सिस्टम नहीं सुधर जाएगा। आपको सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। विज्ञान के ऊपर वापस आपको गौरवान्वित होना है वर्तमान भारतीय विज्ञान में, तो हमें और आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की हम बात करते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर कोई भी, बहुत कम लोग हैं जो कि वास्तव में मिलकर काम करना चाहते हैं। मुझे ऑर्केस्ट्रा याद आता है, ऑर्केस्ट्रा के लोगों को जब मैं देखता हूं, उनके अंदर कितना शानदार कोऑर्डिनेशन होता है कि एक बांसुरी बजा रहा है, एक हारमोनियम बजा रहा है, एक गिटार बजा रहा है, एक वायलिन बजा रहा है, कब किसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस वॉइस में बजाना है, एक शानदार कोऑर्डिनेशन मिलता है। और वो शानदार कोऑर्डिनेशन ही हमारे विज्ञान में चाहिए, तभी भारत एक वापिस चरम सीमा पर पहुंच सकता है विज्ञान के क्षेत्र में। हमें आपको मिलकर, वास्तव में मैं एक बॉटनी का विद्यार्थी हूं, मैं एक बायोलॉजी का विद्यार्थी हूं, एक सेल को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमारी फिजिक्स स्ट्रांग ना हो, हमारी मैथमेटिक्स स्ट्रांग ना हो, हमारी स्टैट्स स्ट्रांग ना हो, हमारी बॉटनी स्ट्रांग नहीं हो, हमारी मॉलिकुलर बायोलॉजी स्ट्रांग नहीं हो। और सबके अंदर स्ट्रांग होना आसान काम नहीं है, जीवन बहुत छोटा होता है। तो क्यों नहीं एक मैथमेटिशियन मिलकर, एक फिजिक्स का पर्सन मिलकर, एक केमिकल साइंस का पर्सन मिलकर, एक बॉटनी का पर्सन मिलकर, सब मिलकर सेलुलर सिस्टम को समझने की कोशिश करें। एक छोटी सी कोशिका है, कैसे वो बिहेव करती है। आज तक भी हम इस सिंथेटिक कोशिका नहीं बना पाए, क्योंकि हम एक सिंथेटिक सेल को इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए। हमें समझना पड़ेगा, और ये समझ हमारी अंदर डेवलप होनी चाहिए स्कूल के दिनों से। स्कूल के जो दिन होते हैं, स्कूल में जो विज्ञान पढ़ाए, मैं उन टीचर्स को कहना चाहूंगा जो स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, वो बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि डेवलप करें। केवल हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी वही है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट।
अरे कब तक हम ये पढ़ते रहेंगे जो 50 साल पहले पढ़ते आ रहे हैं। हर विज्ञान के लेसन के बाद स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना चाहिए कि अब क्या बचा हुआ है इसके अंदर जो होना चाहिए, तभी तो सोचने और विचारने की क्षमता बढ़ेगी विद्यार्थियों के अंदर। तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उन उस टॉपिक को बनाने वाले वैज्ञानिकों को आप पढ़िए। उसके बाद गहन डिस्कशन कीजिए, उस टॉपिक के ऊपर गहन डिस्कशन कीजिए। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, चाहे आप कर्नाटका यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप ये सोच के चलें कि मुझे विज्ञान को पढ़ने का मौका मिला है क्योंकि मुझे इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, मुझे इस नेचर को समझना है। और इसको नेचर को समझने के लिए मैं छुप छुप के रिसर्च करूंगा तो नहीं समझ पाऊंगा कभी, मिलकर रिसर्च करनी पड़ेगी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने से ही काम नहीं चलेगा, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करने से ही काम चलेगा, बातें करने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता है, मैं जानता हूं, 20 साल हो गए मुझे रिसर्च के फील्ड में, मैं जानता हूं बहुत सारी लैब्स पास वाली लैब को डिस्टिल वाटर तक नहीं देती जब उनको जरूरत पड़ती है। और बातें हम लोग सेमिनार कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी करते हैं। ये कारण है भारत के पिछड़ने का, ये कारण है कि 1930 के बाद सीवी रमन साहब के बाद किसी भी भारतीय को भारत में रहते हुए नोबेल प्राइज नहीं मिला, किसी भी भारतीय को भारत में रहते हुए नोबेल प्राइज नहीं मिला 1930 के बाद, शर्मनाक बात है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी उच्च शिक्षा का केंद्र तब तक बड़ा नहीं बनता जब तक उसे बनाया नहीं जाता। आज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसलिए महान नहीं है क्योंकि वहां पर फर्श बहुत महंगे बना रखे हैं, बहुत महंगा पेंट कर रखा है, ऐसा नहीं है। वहां का एकेडमिक एटमॉस्फेयर बहुत शानदार है, वहां पर लोग चर्चा करते हैं विज्ञान की, अपने सब्जेक्ट्स की चर्चाएं करते हैं। तो आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं, और हम अपने विश्वविद्यालय को महान बनाते हैं। तो इस तरह से भारत वापस से पुनर्स्थापित हो सकता है विज्ञान के क्षेत्र पे, और हमें वास्तव में भारत को सिरमौर बनाना पड़ेगा, ऊपर तक ले जाना पड़ेगा विज्ञान के क्षेत्र में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलके काम करो, छुप छुप के काम मत करो, छुप छुप के पढ़ाई मत करो, शेयर करो नॉलेज के, जितनी शेयर करोगे उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।